दिनांक 5 तारीख से यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर राबड़ी का अफिशियल्स एसोसिएशन का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पूर्ण कार बहिष्कार के अंतर्गत। हमारी 22 सूत्री मांगे हैं जिनमें मुख्य रूप से कंट्रोल ऑर्डर, केंद्र और तहसील पर जो स्टाफ की कमी है और जो भौतिक संसाधन हम लोग को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो खरीद की प्रक्रिया चल रही है इसमें संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी अनुपलब्धता की स्थिति में भी हम लोग काम कर रहे हैं। कैडर रिव्यू को लेकर के हमारी जो मांगें पिछले कई वर्षों से चल रही हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, वो भी प्रमुखता से इन 22 सूत्री मांगों में है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय विपणन अधिकारी और विपणन निरीक्षकों का जो कार्य विभाजन की बात विगत मीटिंग में खाद्य आयुक्त महोदय ने मांगी थी वो मानने के बाद अभी तक उस पर पूरी तरह से कुछ भी स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। हाइब्रिड धान को लेकर के जो है बहुत सारी समस्याएँ हैं हमारे गंगा पार में, जहाँ केंद्र प्रभारियों को हाइब्रिड धान की तौल के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है, लेकिन रिकवरी 67% जैसा कि मानक है केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम का, वो न होने के कारण जो है हम खरीद कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते और उसके लिए हमारे खिलाफ कभी न कभी जो है प्रशासनिक स्तर पर, विभागीय स्तर पर कार्रवाई हो जाती है, तमाम तरह की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। किसानों का हित भी जो है उसमें हम जो है उनके हित का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, उनको अपने समर्थन मूल्य का पूरा भुगतान नहीं। कितने दिन तक चलेगा ये मांग? जब तक हम लोगों की सभी मांगें मान नहीं ली जाती तब तक अनवरत।